राजधानी लखनऊ के क्षेत्र निषादगंज में शिक्षक अभ्यर्थी SCERT के पीछे GIC ग्राउंड में अभ्यर्थी 24वें दिन धरना दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि वो सब रात को रैन बसेरे में रात बताते हैं और कुछ रोड पर रात बताते हैं। वे भूखे प्यासे हैं। वही महिला अपने बच्चों को लेकर रोड पर रात बिता रही है। उन्होंने अपने खून से एक बैनर पर लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेल फीमेल त्रुटि संशोधन का मौका दिया जाए। अभ्यर्थी का कहना है कि इनके मूल अभिलेखों को देखते हुए प्राप्त अंक ज्यादा, पूर्णांक कम, मेल फीमेल आदि में मानवीय त्रुटि हो गई है। इन सब का कहना है कि मूल अभिलेख सत्यापन करने के बाद नियुक्ति प्रदान की जाए। शासन प्रशासन से यह मांग है, मानवीय त्रुटि को दूर करने का शासनादेश निर्गत करें। बस्ती जिले से आई क्षमा शुक्ला बेहोश हो गई। राजीव, संदीप, कुमुद, अनिल कुमार, आशुतोष और समस्त पीड़ित मौजूद रहे। ये कैसा धरना आप दे रहे हैं? सर, हम लोग 69,000 संशोधन पीड़ित अभ्यर्थी हैं और हम लोग 24 दिन से लगातार यहाँ पे धरना कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है उस हिसाब से क्या हो रहा है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, बस डेटा मांग रहे हैं ये लोग। कल भी गए थे हम लोग मिलने तो बोले कि 1-2 दिन का समय मांगेगा। हम लोग तो कल से ही भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे, लेकिन यही अधिकारी बोलने लगे नहीं, 1-2 दिन में आप लोग का हो जाएगा। हम लोग जितने पैसे लाए तो 24 दिनों से आप यहाँ बैठे हैं तो कोई अब तक अभी सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे क्या करने वाले हैं आप? कुछ नहीं, हम लोग आज और देख रहे हैं। आज जैसे अधिकारियों ने बताया कि आज आप लोग का हो जाएगा तो हम लोग आज भर का टाइम देख रहे हैं, बाकी कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और शिक्षा विभाग से कैसे? कोई शिक्षा विभाग से कोई आश्वासन नहीं मिला हम लोग को। ये कैसा धरना आप दे रहे हैं? सर, हम लोग 69,000 संशोधन पीड़ित अभ्यर्थी हैं और हम लोग 24 दिन से लगातार यहाँ पे धरना कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है उस हिसाब से क्या हो रहा है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, बस डेटा मांग रहे हैं ये लोग। कल भी गए थे हम लोग मिलने तो बोले कि 1-2 दिन का समय मांगेगा। हम लोग तो कल से ही भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे, लेकिन यही अधिकारी बोलने लगे नहीं, 1-2 दिन में आप लोग का हो जाएगा। हम लोग जितने पैसे लाए तो 24 दिनों से आप यहाँ बैठे हैं तो कोई अब तक अभी सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे क्या करने वाले हैं आप? कुछ नहीं, हम लोग आज और देख रहे हैं। आज जैसे अधिकारियों ने बताया कि आज आप लोग का हो जाएगा तो हम लोग आज भर का टाइम देख रहे हैं, बाकी कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और शिक्षा विभाग से कैसे? कोई शिक्षा विभाग से कोई आश्वासन नहीं मिला हम लोग को। बोलिए सर, मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है और मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और निरंतर आज 24 दिन से हम लोग यहाँ पर एक निवेदन हेतु धरना दे रहे हैं। हमारा निवेदन यही है कि हमसे जो भी मानवीय त्रुटि हुई थी उसके संज्ञान में लिया जाए और उसको मतलब त्रुटि रहित करते हुए हम लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। हालांकि 4 तारीख उन्होंने एक शासनादेश जारी किया जिसमें लगभग 90% जो त्रुटि थी, मानवीय त्रुटि थी, उसको इन्होंने निराकरण किया और उसमें लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया, बट थोड़ी चीज़ें जो थी उसको छोड़ दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं जितने भी छूटे हुए प्रकरण हैं उनको देखा जाए और उस पर पुनः एक बार विचार करके हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन सरकार हमारा फेवर कर रही है और हमारे जो डाटा है वो मंगा ली गई है, लेकिन अभी तक हमको ये जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि हमारे जो कार्य हैं वो कब तक संपन्न होंगे, हम लोगों को कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। हालांकि हमको मात्र आश्वासन ही मिल रहा है और कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है, और लिखित आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हालाँकि आज 30 तारीख है, आज जो सरकार द्वारा दिया गया दिन का आखिरी दिन ही है जो उन्होंने आश्वासन दिया था। अगर आज हमारे लिए कुछ नहीं होता है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे, कल से हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक या तो हमारे लिए जियो नहीं पारित हो जाता है या फिर जब तक हमारे शरीर में प्राण बचता है तब तक हम यहाँ से उठने वाले। कुछ शासन आदेश तो आया था आपके लिए ना? नहीं सर, आया था, लेकिन उसमें बता रहे हैं कुछ प्रकरण ऐसे थे जिसको छोड़ दिया गया है, तो कम से कम उसको भी पुनर्विचार किया जाए और सारे प्रकरण को देखा जाए, क्योंकि हम लोग योग्य हैं और योग्यता की जितनी भी मापदंड है उस पर हम लोग खड़े उतरे हैं। केवल मानवीय भूल के कारण ऐसा हुआ है? बिल्कुल मानवीय भूल है, जैसे कम जिन लोगों ने भूल करके कम भर दिया गलती से तो कुछ लोग ज्यादा भी भर सकते हैं, तो अगर इन्होंने कम वालों को एक्सेप्ट किया तो ज्यादा वालों क्यों नहीं किया, तो ज्यादा वालों को भी इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारी मांग कोई नाजायज मांग नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि आपका जो प्रदेश स्तर का जो मेरिट बना है 67,867 की जो लिस्ट बनी हुई है इनकी, अगर उसमें हमारा स्थान है तो हमको भी नियुक्ति पत्र दिया जाए, अगर नहीं है तो हमको बाहर निकाल दिया जाए। इसमें 69,000 वैकेंसी के संशोधन के लिए बैठे हुए हैं, आज 24वां दिन है, भूखे प्यासे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कई लोग बता रहे हैं कि रोडों पर सोते हैं और मजदूर रात में लेटे ठेला चलाकर ये लोग अपने यहाँ रह रहे हैं, खा पी अपने कैसे भी करके यहाँ घर से आके संशोधन के लिए बैठे हैं, लेकिन आज तक संशोधन का कोई मौका नहीं दिया गया। किसी
उड़ान कम हो गया और अब तो विसंगतियों के गिनाने का कोई मौका ही नहीं, क्योंकि सारी विसंगतियों के बारे में ही पता है। बस यही कहना है कि हमारे लोग दुख को समझे और जितना जल्दी हो सके निवारण करें। आखिर हम लोग कब तक अपने परिवार से दूर रहेंगे? रात में बर्तन धुलते नहीं कि घर जूठा खाते, कभी हम लोग ऐसा कल्पना नहीं किए थे कि हमें जा करके इस हाल में रहना पड़ेगा। आज हम लखनऊ जैसे शहर में अकेले हैं अनजान लोगों के बीच में, फिर भी इतनी हिम्मत करके यहाँ लड़ रहे हैं। बताइए कब तक ऐसे हम लोग के साथ में होगा? क्या हम लोग की भावना नहीं है? क्यों हम लोग की भावना को नहीं समझा जा रहा है? नया साल हम लोग के लिए कुछ नई खुशियाँ देगा, ये लोग क्यों इतना अन्याय कर रहे हैं? जब हम लोग मर जाएंगे तभी अन्याय दे करके हमें क्या हासिल करेंगे? हमारे माँ बाप वहाँ बैठ करके हमारा रास्ता देख रहे हैं। अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, 24 दिन से बैठे हैं, ना हमारे पास पैसा है ना कुछ है। छोटे से बच्चे को लेके आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, ना इसको खिलाने के लिए कुछ बैठा। इसकी आप पैर देख रहे हैं कितनी चोटें आ गई इसके, यहाँ पे खेलते खेलते ये देखिए इसके दोनों पैरों में चोट लगी हुई है, इसकी दवाई भी चल रही है। ऐसे न्याय का क्या होगा? जो न्याय हमें इतनी देर से मिलेगा, क्यों हमें अन्याय जैसा लगने लगे? अब 24 दिन हो गए, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं बची हुई। एक टाइम खा करके इसी तरीके से दोपहर में थोड़ा सा खा के थोड़ा सा पानी पी के हम जो है अपना चला रहे हैं। हमारी यही गुजारिश है कि हमारे कष्टों को सुनिए, समझिए। अब हमारी क्षमता नहीं है, क्षमता हमारी जवाब दे जाएगी तो उस फिर कष्ट उस न्याय का हम क्या करेंगे? न्याय ये मिलेगा, लेकिन इतनी देर से न्याय मिलेगा तो न्याय ना वो अन्याय में बदल जाएगा। और हमें आज भी भरोसा है कि आप हमारे साथ अन्याय मत करिए, न्याय कर दीजिए। हमारा भी हमारे मूल अभिलेख देख करके हमारा चयन कर दीजिए। लखनऊ से परमानंद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।